हाय एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक कलेक्टिव टाइमलेस लव रीडिंग। इस टाइम पे आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हैं, टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ, तो कोई भी स्कैमर से बचिए। मैं कभी भी आपको कॉन्टैक्ट नहीं करूँगा, या फिर ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर है, ना ही मैं ये सब करता हूँ। आई एम नॉट अवेलेबल इन एनी DM और एनी काइंड ऑफ मैसेजिंग स्टफ। ओके, सो लेट्स जस्ट सी। यहाँ पे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और मेरे इंस्टाग्राम चैनल का नाम है महाकाली टैरोट बाय अनिर्बान मुखर्जी। वहाँ पे आप लोगों को एक ब्लू टिक दिख जाएगा, इंस्टाग्राम वेरीफाइड। सो आप जिस पर्सन के बारे में अभी सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर या फिर पर्सन के मन में क्या चल रहा है। ओके, पहला कार्ड आ गया है पेज ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि ये एक इमोशनल एक्सपीरियंस है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ सीक्रेट क्रश के वाइब्स। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप इस पर्सन के बारे में कुछ डिसीशंस नहीं ले पाए हो। मेरे ख्याल से ये आपके इन्फैटुएशन से इस पर्सन को आप फैंटेसाइज करते हो बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि ये आपके you know, कोई बॉस हो, या फिर कोई फॉरबिडन रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप के you know, आप आगे नहीं जा सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कोई सीक्रेटिव रिलेशनशिप। तो ये पर्सन भी आपको you know, मैं बोल सकता हूँ कि सेक्सुअली या फिर प्लेटोनिकली चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल रेसिप्रोकेशन है, बट ये कनेक्शंस मैं देख सकता हूँ किसी किसी के लिए इम्पॉसिबल है। तो आई थिंक यहाँ पे मैसेजिंग भी हुआ, बट आपको पता है कि ये पर्सन चाहते हैं, बट you know, ये खुद को रोक रहे हैं। बट डेफिनेटली कुछ चेंजेस आ रहा है। मेरे ख्याल से कुछ हिंट आपको मिलेगा कि ये पर्सन आपके साथ कुछ बात करेंगे। आई थिंक आप में से किसी किसी के लिए ये पर्सन जब बात करेंगे तो शायद हो सकता है कि ड्रीम कम्स ट्रू टाइप थिंग्स, या फिर आपको लगेगा कि ओ माय गॉड ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये पर्सन शायद रियलिटी में आप लॉजिकली सोच ही नहीं सकते हो कि ये कभी आपके साथ बात कर सकते। बट मेरे ख्याल से लॉट्स ऑफ सेक्सुअल फैंटेसी, रोमांटिक फैंटेसी, या फिर क्रश, या फिर हो सकता है कि ये मैरिड पर्सन है और इस, या फिर इसके you know, ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप्स में है और आपको पता है ये सब चीज़, आप बहुत क्लोज हो, बट फिर भी आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे एक डिज़ायर, हिडन डिज़ायर को मैं फील कर सकता हूँ। लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रहे हैं, यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं इस टाइम पे। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, यहाँ पे आते हैं एट ऑफ शोर्स। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप लोग किसी पर्सन आपको ब्लॉक करके रखे हैं, वो पर्सन नहीं बोलना चाहते कि वो क्या सोच रहे हैं। असल में वो भी बहुत सैड है, ये आपको जो ब्लॉक करके रखे हैं, हो सकता है ये एक नो कॉन्टैक्ट पर्सन है। ये पर्सन इसीलिए ब्लॉक करके रखे है क्योंकि ये इमोशनली बहुत डिटैच्ड है। इसके ऊपर शायद इसके फैमिली ने बहुत कुछ प्रेशर प्रेशर क्रिएट किया है। मेरे ख्याल से इसके ऊपर कोई तंत्र क्रिया हुआ है, इसीलिए शायद ये पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे। हो सकता है आपको टैरो रीडर्स ने भी बोला है, या फिर आपको खुद भी पता है कि ये करेंगे कांटेक्ट। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शंस में कुछ हद तक ब्लॉकेजेस है, और ये मैं देख सकता हूँ कि ये पास्ट का कनेक्शन है। हो सकता है आप दोनों सिमिलर टाइप हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप सोचे थे इस पर्सन के साथ फ्यूचर बिताएंगे, बट इस पर्सन का कुछ नाम और निशान नहीं है आपके सोशल मीडिया पे। ये पर्सन कम्प्लीटली आपको ब्लॉक करके रखा है, ना ही ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहे। बट ट्रस्ट मी, ये पर्सन आज आपके बारे में सोच रहे, अभी ये नो कॉन्टैक्ट पर्सन आपके बारे में सोच रहे, ये पास्ट के दिन के बारे में सोच रहे। कहीं ना कहीं ये पर्सन का एक 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 हैबिट है कि ये इशू को क्रिएट करते हैं, उसके बाद ये पर्सन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं और दोषी जिम्मेदार ठहराते हैं दूसरे पर्सन को। कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ हुआ था, ये पर्सन आपको प्रोवोक किए थे, आपके ऊपर कुछ दुर्व्यवहार, you know, आई कुड फील के ये जो पर्सन है ये बहुत मिसबिहेव किए थे आपको, एंड आपने उसके रिप्लाई दिए थे। आई थिंक ये पर्सन आपसे बिना कुछ बोल के कट ऑफ करके चले गए थे। हो सकता है कि ये जब आप पर्सन के साथ आपके साथ मिले थे, कहीं ना कहीं ये भी एक ब्रेकअप के फेज में था। हो सकता है कि बात ही नहीं हुआ, या फिर ऐसा हो सकता है कि बहुत स्टेबल कनेक्शंस था, बट कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्शंस नहीं बना। आई थिंक आप गिल्ट फीलिंग लेके चल रहे हो, और ये पर्सन भी कुछ हद तक गिल्ट फीलिंग लेके चल रहे हैं, बट दोनों के बीच में कुछ हद तक कम्युनिकेशंस हो रहा है। आई कुड फील के
ये पर्सन फाइनली कुछ बोलेंगे, मेंटली मैसेज आपको मिल जाएगा या फिर आपको इस पर्सन का सपना दिख जाएगा, बट बहुत बुरी तरीके से ये आपको छोड़ के गए थे, आई थिंक मिसबिहेव करके गए थे, तो इसीलिए ये पर्सन इतना आसानी से आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, क्या है क्या है क्या है। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है द शमन, दैट मीन्स द मैजिशियंस एनर्जी। सो आई थिंक आपके जो प्रेजेंट पर्सन है या फिर आप जिस पर्सन के लिए ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे कि देखो फ्यूचर में एक बहुत अमेजिंग सा एनर्जी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं हाई होप रखिए, कहीं ना कहीं आप अगर अभी देख रहे हो कि सिचुएशंस बहुत बदतर है, कोई भी कम्युनिकेशंस का कोप नहीं है, बट एक एक मैं देख सकता हूँ कि अनएक्सपेक्टेडली कोई पर्सन सॉरी बोलने के लिए राजी हो रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन बहुत हाई एम्बिशियस है, ये पर्सन आपको डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहे बट इनडायरेक्टली बोलना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये पर्सन मन से आपको बहुत चाहते हैं, सेक्सुअली इमोशनली बहुत चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि आप इसके वीक पॉइंट्स को जानते हो, आपको पता है कि इस पर्सन को कैसे हैंडल किया जाता है, और कहीं ना कहीं ये पर्सन भी इस चीज को मानते हैं कि आप ट्रस्टवर्दी हो, बट प्रॉब्लम है कि आप बहुत ही क्रिएटिव हो और सेंसिटिव हो और एम्पैथेटिक भी, तो आप झूठ को बहुत ही अच्छे से पकड़ लेते हो। सो आई थिंक ऐसे ही कुछ झूठ पकड़ लिए थे आप, आपने उसके सामने कुछ ऐसे बात बोल दिए थे कि ये शॉक्ड हो गए। आई थिंक इस कनेक्शंस में आप धीरे धीरे अपना पकड़ बना रहे हो, आई थिंक आपको पता चल रहा है कि पास्ट के मिस्टेक्स क्या आप किए थे, तो ये जो मैनिफेस्टेशंस के कार्ड आए हैं ये आपका एनर्जी है, तो आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग एक पर्सन को फाइनली अपने लाइफ से जुड़ने की कोशिश कर रहे हो या फिर कट ऑफ, बट आप लोग हील होना चाहते हो, आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो एक लव लाइफ को, तो ये इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो, खास करके कोई पर्टिकुलर पर्सन तो नहीं है बट एक ख्वाहिशें है कि फाइनली मेरे को कोई पर्सन मिलेंगे, तो वो ख्वाहिश के लिए भी ये कार्ड आ सकता है कि लाइक आप लोग एक सच में एक पर्सन को ढूंढ रहे हो और अपना गलती को मान के कि हाँ पास्ट रिलेशनशिप्स में आपने ये गलती किए थे, ऐसे बिहेव किए थे, ऐसे बातें बोले थे, तो ये नहीं दोहराएंगे। एंड सेकेंडली आप में से बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली बहुत हाईली मैं देख सकता हूँ इंट्यून्ड हो सकता है ये पास्ट रिलेशनशिप्स के वजह से आपने टैरोट पे आए हो, बट वो रिलेशनशिप्स तो आपने कुछ नहीं कर पाए, बट फाइनली किसी नए पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए टैरोट को इस्तेमाल कर रहे हो, टैरो रीड कर रहे हो, लोगों को मदद कर रहे हो, आई थिंक आप अपने दोस्तों के बीच में फेमस भी हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आप लिटरली आपके पास वो पावर जनरेट हो रहे हैं कि आप आपकी इंट्यूशंस को आप सुन सकते हो, आप लोगों के लाइफ में क्या हो रहा है या फिर कैसे हो रहा है चीज़ें या फिर क्या होगा, ये सब चीज़ आपको पता है, बट कहीं ना कहीं जब खुद का बारी आता है तो आप बहुत ज़्यादा डर जाते हो, और अक्सर रिसेंटली आपने बहुत टैरो देखना भी स्टार्ट किए हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ थोड़ा सा लो सेल्फ एस्टीम हो गया था, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है आपके साथ, क्यों इतना डर आपको लग रहा है और क्यों पर्टिकुलरली लव लाइफ पे आप जिस तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो नहीं हो रहा है, अरे ये एक लर्निंग लेसन था, तो डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज आप सफ़र कर रहे थे ड्यू टू दैट पर्सन या फिर ड्यू टू कुछ एक्शंस या फिर पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा के वजह से, बट फाइनली आप फ्री हो गए हो। सो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप एक टफेस्ट साइकिल के अंदर थे तो फाइनली वहाँ से बाहर आ रहे हो, इस टाइम पे अगर आप बहुत अच्छे से न्यू लव को मैनिफेस्ट करोगे वो भी आएगा, अगर पर्टिकुलर कोई पर्सन आपके दिल में है और उस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो तो वो आएगा। मेरे ख्याल से एक फॉरबिडन लव का भी इशू है, तो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि एक टाइप पे आप एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपको पता है वो पर्सन आइडियल है, बट कहीं ना कहीं आपका दिल कुछ और चाहता है और आपका दिल किसी एक ऐसे पर्सन के साथ कनेक्टेड है जिस पर्सन को आप शायद आपको पता है कि वो पॉसिबल नहीं है। सो कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करना है कि किस पर्सन को आप चाहते हो और कैसे चाहते हो, क्योंकि कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया बट आपको उस पर्सन ही चाहिए, या फिर उस पर्सन अगर नहीं चाहिए तो उसके जैसे कोई पर्सन चाहिए, तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको एक चीज़ बोल रहे हैं कि अपने सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस करो, हर टाइम पे लुक्स मैटर नहीं करते, हर टाइम पे आपके एक्सपेक्टेशंस मैटर नहीं करते, जो आपके लिए सही है वही यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। ऑल इन ऑल यूनिवर्स आपको बोल रहे कि आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट कुछ हद तक पास्ट को जैसा हुआ था वैसे देखो, बढ़ा के भी नहीं देखो, घटा के भी नहीं देखो। सिमिलरली यहाँ पे यूनिवर्स आपको एक चीज बोल रहे कि यहाँ पे क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है। देखो यहाँ पे आते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि स्लो बट स्टेडी विन द रेस,
सो आप सही पथ पे हो, बहुत ही जल्दी या तो आप कोई नए पर्सन के साथ मिलोगे या फिर पुराने पर्सन वापस आएंगे, बट कहीं ना कहीं आपको समझना है कि जब अगर आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो उस टाइम पे वो पर्सन भी दूर से आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज फेस कर रहे हो तो ट्रस्ट इशू फेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस पर्सन को आप प्यार करते हो वो भी आपको मिस करते हैं, प्यार करते हैं। यहाँ पे एक बहुत ही प्योर कनेक्शंस है, बट कनेक्शंस बहुत स्लो है, धीरे धीरे ये कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब प्लीज कीजिए एंड कमेंट करके लिखिए डिवाइन लव। बाय बाय, ओम क्रीम दक्षिणा कालकिनी।